नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अच्छे स्वास्थ्य और धन सुख समृद्धि के लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या उपाय करना आवश्यक रहेगा। वर्ष 2024 में कौन से उपाय जो है वृश्चिक राशि वाले जातकों को अच्छा स्वास्थ्य और धन सुख समृद्धि दे सकते हैं, देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम वर्ष 2024 के वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की लेकर आने वाला हो। यहाँ पर उपायों की श्रृंखला शुरू करने से पहले आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा। इस वर्षफल 2024 को हमने तीन भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला भाग जो आया था वो आया था स्वास्थ्य, परिवार, धन संपत्ति की स्थिति से कैसा रहेगा वर्ष 2024 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। उसके पश्चात भाग दो हम लेकर आए थे शिक्षा, व्यापार, नौकरी की स्थिति से कैसा रहेगा वर्ष 2024 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। उसके पश्चात भाग तीन हम लेकर आए थे लव लाइफ और मैरिड लाइफ की दृष्टि से कैसा रहेगा वर्ष 2024 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर उपाय की श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, लेकिन फिर एक यहाँ पर आपसे एक चीज कहना चाहूंगा वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। शनि आपकी राशि से चतुर्थ स्थान का गोचर कर रहे हैं, यानी कि अभी शनि कुंभ राशि में और कुंभ राशि जो है वह वृश्चिक राशि से चतुर्थ स्थान में आती है और शनि का यह ढैया का जो प्रभाव है आपके जीवन में काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देने वाला रहेगा। किन्हीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सुख समृद्धि भी लेकर आ सकता है और किसी लोग के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं भी क्रिएट कर सकता है। वैसे ये कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है कि शनि आपकी कुंडली में किस स्थिति में किस प्रभाव में बैठे हुए हैं, लेकिन विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा कि अगर ढैया का प्रभाव आया हुआ है तो अपने कर्म को अच्छा रखिएगा और शनि से रिलेटेड आप उपाय करते रहिएगा। आप बुजुर्ग जनों, मजदूरों की और निसहाय जनों की मदद करते रहिएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने घर में जो वरिष्ठ जन है उनका सम्मान करिएगा, आपको शानदार परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तेल का दान करना शनिदेव के लिए अच्छा रहेगा और साथ ही शनिवार का व्रत करना, शनि के मंत्रों का जप करना, शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए शनि की इस ढैया के प्रभाव को कम करता हुआ अच्छे परिणाम देता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं अगर आगे बात करी जाए तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक चीज़ चाहूंगा, मंगल आपकी राशि के स्वामी होते हैं और स्वास्थ्य की समस्या अगर आपको प्राप्त हो रही है और शनि की ढैया भी है तो यहां पर एक विशेष तौर पर ये ध्यान रखिए कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए, अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो छोटा मोटा व्यायाम भी अगर आप अपने घर पर कर सकते हैं, योग कर सकते हैं तो वो करिए, या फिर आप चल सकते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक पर जाइए, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सार इस चीज़ का ये है कि आपको अगर अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है तो मंगल को अच्छा करना पड़ेगा और मंगल को अच्छा करने के लिए आपको व्यायाम आपके जीवन में करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है साहस और मेहनत का कारक होता है। जितना आप अपने जीवन में एफर्ट्स उठाते हैं उतना आपका मंगल आपको अच्छे परिणाम देता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही शनि का जो प्रभाव है वो मेहनत पर रहता है, तो मेहनत और साहस दोनों मिलकर आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य की समस्या आपको कम होती हुई नजर आएगी। वही आगे बात करी जाए धन सुख समृद्धि के लिए क्या उपाय करना आवश्यक रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। धन सुख समृद्धि के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, अगर कुंडली अलाउट करे, कुंडली में मंगल योग कारक प्लेनेट है तो आप यहां पर मंगल का रत्न मुंगा धारण कर सकते हैं इस अनामिका उंगली में, लेकिन आपको कैप्सूल मुंगा धारण करना है या ट्राइंगल मुंगा धारण करना है ये आपकी कुंडली बताएगी। अगर आपकी कुंडली अलाउड नहीं करती है मंगल का रत्न तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मंगलवार के व्रत कर सकते हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और साथ ही आप मंगल की चीज़ों का दान कर सकते हैं, मंगल के मंत्र का जप कर सकते हैं, मंगल के यंत्र का उपयोग अपने जीवन में करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। वहीं अगर सुख समृद्धि के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके वर्क प्लेस में आपके शॉप वगैरह पर ग्राहक अट्रैक्ट नहीं होते हैं या किसी नज़र के कारण या नज़र दोष के कारण आपको काले जादू के कारण समस्या क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, पुजारी जी को बोलिए कि हनुमान जी का कुछ सिंदूर आपको देंगे तो वो सिंदूर आप लेकर आइए अपने पूजा स्थल में, आप जहां वर्क प्लेस पे हैं वहां पर स्थापित कर दीजिए, उसकी डेली आप पूजा करिए और जहां पर जो डेली है वहां पर आप छोटा सा उसे एक बिंदी के रूप में स्थापित कर लीजिए और वो आपके जीवन में आपके व्यापार को बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त आपके लिए रहेगा, ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अगर आपको वैवाहिक जीवन की समस्याएं क्रिएट होती नजर आ रही है तो यहाँ पर मैं एक विशेष तौर पर आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, वैवाहिक जीवन के लिए आप मंगल के उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
हनुमान जी को मीठे का भोग लगाइए, उस मीठे में से आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, जो भी है वो भक्तों में बांट दीजिए, आपका मंगल धीरे धीरे बहुत जबरदस्त फायदे आपको देता हुआ मिलेगा और आपके मनोरथ भी सिद्ध करेगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जो लोग अविवाहित है इस उपाय को करिए, जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन कौन से मीठे का भोग लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये सारी चीजें आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ उपाय मैंने वृश्चिक राशि वाला आपको वर्ष 2024 के लिए बताया, लेकिन आपको फिर भी इन उपायों से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो हम आपको आपकी कुंडली से सर्वांगीण विकास के लिए जो आपका ग्रह है, जो ग्रह आपको फर्श से अर्श तक लेकर जा सकता है, जबरदस्त तरक्की प्रदान कर सकते हैं, उसके उपाय देंगे और उससे रिलेटेड आपको स्टोन धारण करने की सलाह देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।